हाय दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं डॉक्टर अनविलास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है मस्त एंजॉय कर रहे हैं सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जी हां अंतिम प्रहार की सीरीज कुछ समय पहले तक आपको लग रहा था कि आएगी कि भी नहीं आएगी और अब तो छठे क्वेश्चन तक आप सभी पहुंच गए तो यकीन मानिए आप सभी बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं तो सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है और दोनों को कैसे डेवलप करते हैं बहुत सिंपल है थोड़ा सा इसकी आइडियोलॉजी समझ लेना ताकि आप अच्छे से लिख सॉरी है ना हाँ थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत चल रही है आजकल जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में हम किसी भी जॉब के बारे में किसी भी वर्क के बारे में एक आउटलाइन बताते हैं कि हमको एक अकाउंटेंट मैनेजर चाहिए ठीक है हमको एक अकाउंटेंट मैनेजर चाहिए जिसमें उस जॉब का टाइटल हो गया फिर उस जॉब की समरी होगी वो पर्टिकुलरली टेली में ट्रेंड होना चाहिए और वो टेली की सारी एक्टिविटीज़ करेगा वो कोऑर्डिनेट करेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन स्टोर डिपार्टमेंट से और उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे फुलफिलमेंट होगी यानी कि वो जॉब की समरी होगी उसका डेली रूटीन की एक्टिविटी होगी उसकी ड्यूटीज़ एंड समरी बताई जाएगी उसकी क्वालिफिकेशन बताई जाएगी कम से कम हमको एम कॉम बन दा विथ टू ईयर्स एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें हमको चाहिए इसके साथ उसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी फिक्सड होगा कि उसका सुपीरियर कौन होने वाला है एम होने वाला है या फाइनेंस ऑफिसर होने वाला वाला है या सी होने वाला है कौन होने वाला है जो कंपनी में सी होने वाला है कौन होने वाला है फिर उसका वर्क एनवायरमेंट लाइक के वहाँ पे उसकी सिटिंग कहाँ पर होगी ये तो बेसिक थर्ड में आता है वैसे कहीं कहीं और ट्रैवल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे इसके अलावा उसकी जो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी बताया जाएगा और एक कंपनी के बारे में उसको इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है ठीक है तो पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आप सीख लो जॉब डिस्क्रिप्शन में एक कंपनी के बारे में डिटेल है एक पोजीशन के बारे में डिटेल है और उसके वर्क रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज़ और अथॉरिटीज़ रिपोर्ट राइटिंग इन सब के बारे में डिटेल होती है तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जॉब की विवेचना अब जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि उस अकाउंटेंट मैनेजर के अंदर उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी उसको become, उसको चाहिए उसको बिकॉम उसको टैली आना चाहिए उसको एक्सेल आना चाहिए उसको पाँच साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको एक पर्टिकुलर लेवल का नॉलेज होना चाहिए यानी जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है आउटलाइन करता है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए उसका एजुकेशन उसका एक्सपीरियंस उसकी स्किल्स उसका कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी यानी सोचने समझने की क्षमता है आज सोचने समझने की क्षमता है कब बढ़ती है जब एक्सपीरियंस बढ़ता है इसके साथ फिजिकल रिक्वायरमेंट जो उस जॉब को करने के लिए रिक्वायर्ड होती है जैसे कि आर्मी वगैरह में जाओगे तो उसमें रनिंग करवा के देखते हैं तो डिफरेंट शॉर्ट पुट होता है तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा के आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट चेक करी जाती है और उसके अलावा सर्टिफिकेट और लाइसेंस यदि कोई ड्राइवरी का काम है है ना है ना ड्राइवर बनना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए सीए के लिए अगर है तो सीए की उसके सील वगैरह वो सब चाहिए तो सर्टिफिकेट और अदर कोई रिक्वायरमेंट्स है तो वो चेक करी जाती है उस पर्सन में वो एबिलिटी है कि नहीं यानी उसका एजुकेशन उसकी क्वालिफिकेशन उसका एक्सपीरियंस उसकी स्किल्स उसके अलावा उसके अदर लाइसेंस उसकी फ़िजिकल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी भी चेक करी जाती है ठीक है तो ये उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग है के एक अकाउंटेंट मैनेजर के अंदर ये पच्चीस चीज़ें होनी चाहिए चीज़े। और अकाउंटेंट मैनेजर की क्या जॉब्स रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिफिकेशन होगी और वो कहाँ रिपोर्ट करेगा उसका डेली रूटीन की एक्टिविटी क्या होगी उसके रोल्स एंड उसके ऑथोरिटीज क्या क्या होगी ये जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है क्लियर है ना जॉब डिस्क्रिप्शन में हम अकाउंटेंट मैनेजर के डेली रूटीन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जॉब स्पेसिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं कि उस बंदे में क्या क्या काबिलियत चाहिए क्या नॉलेज चाहिए क्या एजुकेशन चाहिए कितने फिजिकल रिक्वायर क्या है मेंटल रिक्वायरमेंट क्या है ये सारी चीजें बात होती है जॉब स्पेसिफिकेशन में क्लियर चलिए जब क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं जय हिंद